ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये सीबीएसई नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर वन है, इंडिया साइज एंड लोकेशन. और ये इस चैप्टर का कंटिन्यू में थर्ड पार्ट है. पहले पार्ट में आपने देखा कि इंडिया की लोकेशन क्या है, जिसमें आपने देखा 8.437.6, और फिर आपने देखा इसका साइज क्या है इंडिया का, और साइज वाइज कौन सा नंबर पे इंडिया आती, सेवंथ नंबर पे आती है, जैसा आप जानते हैं. अब हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, हमारी जो पोजीशन है, जहां पे भी हम हैं अभी एशिया कॉन्टिनेंट में, वो क्या चीज है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे हमने क्या क्या चीजें, आइडियाज, कॉमोडिटीज या आर्किटेक्चरल स्टाइल जो हमने लिए हैं या हमने दुनिया को दिए हैं. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे आप सब जानते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत. और प्यारा भारत जो है, आप जानते हैं कि ये ऐसी पोजीशन में है कि एशिया के लगभग सेंटर में पड़ता है. अभी दिस इज होल एशिया, रेड सी के इस साइड एशिया है, तो ये लगभग सेंटर में पड़ रहा है और साउथ साइड में पड़ रहा है, राइट. तो यानी कि इंडिया जो है वो लैंड से भी जुड़ा हुआ है और मेरीन वाटर साइड से भी जुड़ा हुआ है. तो आप जानते हैं कि इंडिया की जो जो इंडिया में लोग आए हैं पहले से, या हम दूसरी जगह पे गए हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या वर्ल्ड से हमें पता चलता है कि हम लोगों की जो जो आना जाना था वो इधर चाइना और इधर यूरोपियन कंट्रीज के साथ था, तो वो लैंड रूट के थ्रू था. लैंड रूट जो है वो पहले से हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में. और ये जो वाटर वाला रूट है, ये बहुत लेट में, आप सब जानते हैं इंडिया को ऐसा कहा जाता है कि वे जो डिस्कवर किया था वो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था, जो केरला में आए थे. तो इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये तो हो गया लैंड वाला. अब जब आप देखेंगे कि वाटर के थ्रू हम जब यहाँ पूरे वेस्ट एशिया से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और हम अफ्रीका से कर सकते हैं, और इवन यहाँ रेड सी के थ्रू हम यूरोप में भी जा सकते हैं. इसी तरीके से आप देख रहे हैं, मरीन से ही हम ईस्ट एशिया से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडिया की, जो कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल लगभग सेंटर में है. और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि बड़े गर्व की बात है, और आप पहले से जानते भी होंगे, मैं इसको दोबारा से दोहराना चाहता हूं, कि चार ही महासागर है, आप सभी जानते हो, फोर ओशियंस, जिसमें से एक ओशियन का नाम भारत के नाम के ऊपर उसका नाम पड़ा है, इंडियन ओशियन. तो इसके पीछे क्या रीजन है, आप जितनी भी ये कंट्रीज देख रहे हैं आसपास एशिया में, इसमें सबसे बड़ा कॉस्ट लाइन जो है, जो इंडियन ओशियन से कनेक्ट होता है, वो इंडिया का है. इस वजह से इंडिया के नाम पे ही इंडियन ओशियन नाम पड़ा है. जैसा आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि लैंड के थ्रू हम 15 और कोस्टल एरिया के थ्रू 7.5 किलोमीटर हमारा जो उसकी लेंथ है. तो ये आपने देखा कि हमारा जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया की, इस वजह से इंडियन ओशियन उस आधार पे उसका नाम रखा गया है. एक और छोटी सी चीज आपके मैप में है इंडिया में, जब हम आपको, मैं एक चीज बताता हूं कि आप इसको खुद भी नोटिस करके देखना, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की, आदमी मेल फीमेल कोई भी हो, उसकी जो ये वाली हाइट होती है और ये वाली जो हम एक हैंड से दूसरे हैंड तक जब हम इसको देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम होती है, राइट. लेकिन आपको क्या लगेगा कि ये वाला जो हिस्सा है, जो हम ऊपर से नीचे वर्टिकली, ये ज्यादा लंबा होता है, और हमें ऐसा अभी के लिए याद भी रखना है कि यही लंबा है. तो इंडिया जो है, जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम किलोमीटर्स में आएंगे, जो बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैंने इधर गलत लगा दिया है ये, क्योंकि नॉर्थ हमारा टच यहां होना चाहिए था, तो ऐसे, तो ये जो बनता है, ये बनता है 3214 किलोमीटर, 3 फिर उससे कम 2 फिर उससे कम 1 और यहां 4 आना चाहिए था, हमने लास्ट में लगा दिया 4, 3214 किलोमीटर. और जब हम ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो है 2933 किलोमीटर. तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये किलोमीटर्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज 281, राइट. अब हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में देखते हैं. जैसा आप जानती हैं कि लैंड मास के थ्रू हमारा कनेक्शन चाइना, यूरोपियन, अफ्रीकन कंट्री से पहले से रहा है, और फिर मरीन से आया है. तो लैंड से वेरी ओल्ड रूट टू कनेक्ट विद द अदर्स, और वाटर इन 1498, एज यू नो, वास्को डी गामा.
तो जब हम जाते थे या कोई हमारे कंट्री में आता था, जैसे हुआनसांग फायान चाइना से आए, आप सब जानते हैं, तो वो लोग ऐसे ही आना जाना तो नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ हम साथ में सीख रहे होंगे, या कोई वो हमसे सीख रहे होंगे या हम उनसे सीख रहे होंगे। तो हम इन चीजों को दो चीजों में बांटते हैं कि अब एक तो हमने आइडियाज एक्सचेंज किए होंगे, दूसरा कॉमोडिटीज, ऑब्वियस बात है, जो मर्चेंट्स होते थे वो कोई ना कोई बिजनेस पर्पज से ही आते होंगे, तो वो एक्सचेंज होती थी। तो जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैं, आइडियाज के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, वैसे तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कानपुर होता है, महमूदपुर होता है, फलानापुर होता है, वैसे आप याद रखेंगे एंडीपुर। एंडी जो है मेरे छोटे नेफ्यू का नाम है, अंगद जागलान, एंडी, उससे पुर। एन से क्या है? न्यूमेरिकल सिस्टम। डी से क्या है? डेसिमल सिस्टम, इंडिया से, दुनिया ने सीखा। फिर हमारे पंचतंत्र, उपनिषद एंड रामायण और इवन महाभारत, जो दुनिया ने हमसे हमारे आइडियाज लिए। और कॉमोडिटीज में तो आपको बताइए, 7th में भी आपने स्टीम पढ़ा, 8th में पढ़ा है दैट वी हैव लॉट ऑफ स्पाइसेस, पेपर, कॉटन, फाइन कॉटन है ना, उसमें मुस्लिन एंड ऑल रहती है। तो इसके अलावा हमने देखा कि कैसे हमारी जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल है वो इंडिया की दूसरे देशों में गई और दूसरे देशों की हमारे में आई। जैसे ताजमहल है, आप देखेंगे कि ये अरेबियन उससे लिया हुआ है उनका स्टाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।